शाम का समय है और मैं अपने बैकयार्ड फार्म हाउस में आ गई हूँ। तो देखिए, ये गेहूँ के खेत लगभग पक चुके हैं और दो चार दिन, पाँच दिन, छः दिन कुछ इस टाइप से लगेंगे तो ये गेहूँ पक जाएंगे 7-8 दिन में। तो देखिए, मैं यहाँ पे अपने बैकयार्ड में ये ड्रम स्टिक लगा हुआ है तो इसको मैं तोड़ूंगी, हार्वेस्ट करूंगी, साथ में इसके गुड़ों के बारे में भी चर्चा करूंगी। तो ड्रमस्टिक में पाए जाते हैं विटामिन ए, विटामिन सी, इसके अलावा इसमें पाए जाते हैं विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B9 और इसके अलावा इसमें पाए जाते हैं पोटेशियम, कैल्शियम, प्रोटीन, जिंक, फास्फोरस और पाए जाते हैं इसमें सोडियम और पाए जाते हैं इसमें पानी और पाए जाते हैं इसमें इसमें पाए जाते हैं फाइबर और इस तरह से इसमें कार्बोहाइड्रेट, इस तरह से सब कुछ, इतनी विटामिन इसमें पाए जाते हैं और ये हमारे सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये दिल के बीमारी से लेकर किडनी तक को ठीक करता है। तो मुनगा जो है ये किडनी में जो स्टोन होता है उसके लिए फ़ायदेमंद है, दिल की बीमारी में फ़ायदेमंद है और ये जो है गठिया आर्थराइटिस में भी फ़ायदा है और पेट की बीमारी में, कॉलन कैंसर में भी फ़ायदेमंद है। और बात रोग में फ़ायदा है मुनगा और इसमें कैल्शियम भरपूर होने के नाते दांत के विकास में, मतलब बच्चों के जो दांत निकल रहे हैं उसमें भी बहुत फ़ायदेमंद है और बच्चों के हड्डियों के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद है जिनका ग्रोथ हो रहा है। तो ये हड्डियों, दांतों सबके लिए फ़ायदेमंद है। तो मुनगा सिर्फ इसकी जो फलियां हैं इसमें ही विटामिन्स नहीं, इसके अतिरिक्त इसके पत्तों में भी विटामिन्स पाए जाते हैं, इसके फूल में भी विटामिन ए, बी, विटामिन A1, B2, B1, B3, B6 पाए जाते हैं और इसकी जो पत्तियां हैं इसमें फास्फोरस, कैल्शियम, फाइबर, आयरन और सोडियम, मैग्नीशियम और कार्बोहाइड्रेट, ये सारे पाए जाते हैं। तो हमने यहाँ से मुनगा देखिए इतने हार्वेस्ट कर ली, इसकी सब्ज़ी बहुत ही फ़ायदेमंद है इसलिए मैं यहाँ से हार्वेस्ट करके लगभग यहाँ से एक दिन दो दिन छोड़ के यहाँ से हार्वेस्ट करती रहती हूँ। तो इसके जड़, फूल और जितनी भी इसके कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है जो फ़ायदेमंद ना हो। डोमेस्टिक हमारी सेहत के लिए काफ़ी अच्छा है तो बच्चों के लिए भी फ़ायदेमंद है। तो ये मतलब ऐसी कोई बीमारी, कान, इसकी पत्तियों को कान में जो इसका जूस है निकाल के डालने से कान के दर्द भी ठीक हो जाते हैं। तो मुनगा के फ़ायदे बहुत हैं
आँख के लिए विटामिन वन होने के नाते आँख के लिए तो फायदे बहुत ही फायदा है आँख के लिए। और मुनगा में जो मतलब सभी बीमारियों के लिए लगभग फायदेमंद है, तो आप भी इसका सब्जी बना के खाइए, इसके पत्तों का सेवन करिए, इसके पत्ते भी काफ़ी फायदेमंद हैं। तो इस तरह से आप भी इसे हमारी तरह सेवन करें और इसको लगाना भी काफ़ी आसान है। ये बहुत ही इसमें कम पानी की ज़रूरत होती है, तो इसे फरवरी मार्च या बारिश के मौसम में कभी भी इसकी डाली तोड़ के इसकी डाली को लगाएं तो ये बहुत आसानी से लग जाता है। तो आजकल तो इसके ड्रमस्टिक का जो पत्ता और मुनगा है इसके टैबलेट भी बन रहे हैं, तो और मार्केट में इसके पाउडर भी काफ़ी आ रहे हैं, तो ये काफ़ी फायदेमंद है मुनगा। तो इसका प्रचार और प्रसार काफ़ी बढ़ रहा है, तो आप लोग भी अपने घर में ज़रूर इसका पौधा लगाएं और देखिए और उसका सेवन करें, तो देखिए कितना बड़ा पेड़ है। हमारे यहाँ से लोग काफ़ी तोड़ तोड़ के ले जाते हैं और मैं भी यूज करती हूँ, तो अपने सेहत के लिए भी फ़ायदा है, दूसरे को भी फ़ायदा इससे मिल रहा है। तो ये पौधा एक मेडिसिनल प्लांट है, तो हर घर में इसका होना ज़रूरी है। तो आपको कैसा लगा मेरा ये वीडियो? पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।